अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों के लिए एक छोटू से फेशियल की रेमेडी लेकर आई हूँ। वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये छोटू से फेशियल आपके बहुत काम आने वाला है, स्पेशली इन गर्मियों में। तो आज की वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, सिर्फ दो स्टेप में हम ये फेशियल करेंगे। सबसे पहला स्टेप जो है वो क्लिनजिंग का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्लिनजिंग बना लेते हैं। क्लिनजिंग के लिए यहाँ पर मैंने आटा लिया है, गंदम का आटा जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आपने आटा लेना है। आटा जो होता है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ठंडक देता है। हमारी स्किन पे जितने भी ऑयल होता है उसको ख़त्म करता है, हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्लिंजर। आप कोई सा भी क्लिंजर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डर्माकोस का क्लिंजर यूज़ किया है, आप इसकी जगह लोशन भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर जो है वो हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करेगी और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करेगी। उसके इसका मिक्सर बनाने के लिए जो है वो यहाँ मैंने रॉ मिल्क ऐड किया है। आप कच्चा दूध भी, यानी कच्चा दूध इसमें ऐड किया है, आप इसकी जगह रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने इसकी मिक्सिंग भी करते रहना है ताकि ये हमारा मिक्सर जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये रेमेडी जो है वो बहुत ही स्पेशल है एक्नी स्किन गर्ल्स के लिए। आपको पता है कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो कुछ लड़कियों को एक्नी का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है और उनके फेस पर एक्नी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके फेस पर भी एक्नी बनना स्टार्ट हो चुकी है तो आप इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार इस्तेमाल करें, आपकी एक्नी जो है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, दब जाएगी। तो यहाँ पे हमारे मिक्सर जो है वो रेडी हो गया है। इसको मैंने अप्लाई किया अपने हैंड पे। आप अपने फेस पे, गर्दन पे इसको अप्लाई करें और सेमी ड्राई होने के लिए छोड़ दें। ये जब ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए उसके बाद हम इसका मसाज करेंगे 5 मिनट में। 5 मिनट जो है वो इसका मसाज करेंगे बिल्कुल जेंटली हाथों से। आपने अपने फेस और गर्दन का अच्छे से मसाज करना है। ये जो है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डीप क्लींस करता है और कच्चा दूध जो है वो हमने इस्तेमाल किया है वो हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है। हमारी स्किन के अंदर जो डर्ट होती है, मिट्टी होती है, उसको भी साफ करते हैं। इसके बाद जो है मैंने हैंड को वॉश कर लिया है, आप इसका रिजल्ट्स भी देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे मास्क रेडी करेंगे। मास्क के लिए जो है वो यहाँ पे मैंने सबसे पहले टमाटर लिया है। अपने टमाटर का जूस निकाल लेना है इस तरह से, और टमाटर में जो है वो लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा शाइनिंग प्रोवाइड करता है और बहुत ज़्यादा वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। उसमें हम इसमें ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली गर्मियों के लिए। और उसमें हम ऐड करेंगे शुगर। शुगर हमारी स्किन के स्किन पे स्क्रबिंग का काम करेगी। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसको भी हम इसमें भी हम कच्चा दूध ऐड करेंगे। कच्चा दूध जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करता है, हमारी स्किन पे जितनी भी डर्ट होती है उसको भी साफ करता है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है, आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने इसकी मिक्सिंग भी करते रहना है ताकि हमारा पेस्ट जो है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी करती जा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मज़ीद हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर जो है वो इस तरह से कुछ रेडी हो गया है। आपने इसको अप्लाई करना है अपने फेस पर, अपने नेक पर, और अप्लाई करने के बाद आपने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हमने इसका मसाज करना है। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि आपने कैसे मसाज करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर ली है और अप्लाई करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमी ड्राई हो चुके हैं। और आपने टमाटर लेना है, वही टमाटर जो हमने जिसका हमने जूस निकाला था, आपने वही टमाटर लेना है और अच्छे से अपने फेस पे रब करना है। आपने जेंटली हाथों से जो है वो 2 से 3 मिनट इसका मसाज करना है और फिर ठंडे पानी से आपने वॉश कर लेना है। ये आप देखिएगा कि आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका फेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। आपके फेस पे जो है वो पिंपल जो है वो भी ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप फर्स्ट यूज़ में भी इसका रिज़ल्ट देख सकती हैं। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।